IPN 9 News. पहले जामिया मिलिया इस्लामिया, फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और उसके बाद फिर जामिया में हिंसा। यहाँ पर हिंसा देखने को मिलती है, यहाँ पर वो लोग आते हैं जो ना कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं और ना ही छात्र होते हैं, वो अधेड़ उम्र के होते हैं और घुस जाते हैं और हिंसा को अंजाम देते हैं। और ऐसी ही एक और घटना एक और यूनिवर्सिटी में घटती हुई देखी जाती है। फिर से पुलिस प्रशासन पर कई सवाल दागे जाते हैं, लेकिन ये हिंसा कब रुकेगी, कब आप अपने कड़े सुरक्षा का इंतजाम करेंगे? एक के बाद एक यूनिवर्सिटी में अगर ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी तो कब तक छात्र चुप बैठेंगे? आपको बता दें कि एक और मामला सामने आया है और ये मामला है गार्गी कॉलेज का। गार्गी कॉलेज में फेस्ट के दौरान कुछ लोग नशे की हालत में कैंपस के अंदर घुस जाते हैं, छात्राओं के साथ बदतमीजी करते हैं, बदसलूकी करते हैं, इशारे करते हैं और उनके साथ छेड़खानी भी करते हैं, लेकिन इस फेस्ट के दौरान वहां पर कोई कड़ी सुरक्षा का इंतजाम नहीं होता। ये तो आप भी जानते हैं कि हर कॉलेज में सुरक्षा गार्ड वहां तैनात होते हैं, गार्ड से लेकर पुलिस और जवान भी वहां मौजूद रहती हैं। और वहां पर आपको ये भी बता दें, अगर फेस्ट है तो उस दौरान कोई सेलिब्रिटी तो जरूर आता है, तो सुरक्षा के भी इंतजाम कड़े किए जाते हैं, लेकिन वहां पर भी एक और हिंसा देखने को मिलती है। वहां पर करीबन 30 से 35 उम्र के कुछ लोग बताए जाते हैं, वो नशे की हालत में कैंपस के अंदर घुस जाते हैं और लड़कियों के साथ बदसलूकी करते हैं, और वहां पर खड़ी पुलिस देखती रहती है और कुछ करती हुई नजर नहीं आती है। ऐसा हम आरोप क्यों लगा रहे हैं? दरअसल खुद छात्राओं ने ये आकर सामने बोला है कि हमारे साथ बदसलूकी हुई, लेकिन वहां पर किसी भी पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया और वहां पर ना ही ये देखा गया कि अगर हमारे साथ कोई छेड़खानी कर रहा है तो कॉलेज का मामला है और कॉलेज के अंदर कैसे ये लोग घुस सकते हैं और कैसे कॉलेज के अंदर घुसकर लड़कियों के साथ बदतमीजी कर सकते हैं, गलत इशारे कर सकते हैं, छेड़खानी कर सकते हैं और नशे की हालत में कैसे कैंपस के अंदर बिना अनुमति के कोई कैसे घुस सकता है। तो ये सवाल सामने आते हैं और इनके जवाब अभी तक नहीं मिलते हैं, ना जामिया के वक्त पे मिले थे जब बिना अनुमति के पुलिस घुस जाती है, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू में पुलिस के मौजूदगी में कुछ नकाबपोश घुस जाते हैं और उसके बाद फिर से जामिया में हिंसा होती है जहां पर पुलिस खड़ी रहती है लेकिन उनकी आंखों के सामने गोली चल जाती है। तो एक बार फिर गार्गी कॉलेज, जहां पर ये लड़कियों का कॉलेज है और वहां पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए, वहां पर हर सुरक्षा के इंतजाम होते हुए भी वहां पर प्रिंसिपल से लेकर कॉलेज के हर एक स्टाफ को सतर्क रहना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब प्रिंसिपल से इसके बारे में पता किया गया तो उनका सिर्फ यही कहना था कि ऐसी घटना का जिक्र मेरे सामने नहीं हुआ, अगर हमारे कैंपस में ऐसा हुआ होता तो हमारे जवान वहां पर मौजूद है, गार्ड्स मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है, वो हमें आकर बताते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा प्रिंसिपल की तरफ से दावा किया जा रहा है। लेकिन कुछ सीनियर छात्राएं हैं वो ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि करीबन 1 से 1.5 घंटे तक वो फंसी रही और वहां पर इतनी भीड़ थी कॉलेज में कि किसी को कुछ पता नहीं चला और वहां पर ऐसे बदतमीजी होती रही और वहां पर उनकी आंखों के सामने कई कर्मी भी मौजूद थे, वो कुछ करते हुए दिखाई नहीं दिए और उसके बाद प्रिंसिपल का रवैया सामने आता है कि उनको इनके बारे में पता ही नहीं चला और हमारी तो सुरक्षा पहले से ही मजबूत थी, अगर ऐसी घटना होती तो इसका जिक्र मेरे पास तो जरूर होता लेकिन नहीं होता। छात्राएं कुछ और कह रही हैं, प्रिंसिपल कुछ और कह रहे हैं और गंभीर मामला है उन लड़कियों के साथ जो नशे की हालत में कॉलेज में कुछ लोग घुस जाते हैं, उनकी सुरक्षा दांव पर लग जाती है, उनकी वो ये तमाम ऐसे मुद्दे सामने आते हैं जिनको लेकर सवाल सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन पर खड़े किए जाते हैं कि आपकी सुरक्षा कहां बार बार ढीली होती दिखाई दे रही है और क्यों आप अपने इस पद का गलत उपयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्यों नहीं आप इस पर अपने रवैयों को सुधारते हैं और सुरक्षा को लेकर आपकी जिम्मेदारी है तो क्यों आप अपना दखल नहीं देते हैं, ये सवाल है। अब गार्गी कॉलेज में हुआ है, उसके बाद और कितने कॉलेज बाकी है जो अभी हिंसा देखने को मिलेगी, ये जवाब चाहिए और ये जवाब कब मिलेगा, क्या कहना है आपका कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत और ऐसी बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 News।